हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन मिररिंग के बारे में। स्क्रीन मिररिंग के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं बताता हूँ। गाइस, आप सभी ने अपने स्मार्टफोन में एक ऑप्शन देखा होगा, स्क्रीन मिररिंग, स्क्रीन कास्ट या फिर स्क्रीन शेयरिंग। जानेंगे इस वीडियो में कि उन सब का क्या मतलब होता है और आप उन सब की हेल्प से क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये सब जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वायरलेस डिस्प्ले के ऑप्शन होते हैं। इसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को किसी बड़े स्क्रीन में दिखा सकते हैं, अगर दोनों डिवाइस एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने फ़ोन के छोटे स्क्रीन को बड़े स्क्रीन में दिखा सकते हैं बिना किसी तार के। तो गाइस, चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। गाइस, स्क्रीन मिररिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में, और यहाँ टाइप करना है प्रोजेक्शन सेटिंग, उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एड द वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शन फीचर टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। तो यहाँ आपको ऑप्शनल फीचर में चले जाना है, इस पर क्लिक करके फीचर ऐड करना है। गाइस, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा वायरलेस डिस्प्ले का, इसे आपको डाउनलोड करना है, तभी आप स्क्रीन मिररिंग कर पाएंगे अपने एंड्रॉइड फ़ोन से। यहाँ चले जाना है ऑप्शनल फीचर्स के अंदर, और यहाँ से ऐड फीचर पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ उसे सर्च कर लेना है। गाइस, सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो इसे आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी पर। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ गाइस। ऐसे बस 1 MB का फाइल है, और यह कुछ ही टाइम में डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस, वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन डाउनलोड हो चुका है, तो अब आपको बैक आ जाना है और इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीसी हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप में ये करना है गाइस, कि आपको चले जाना है अपने फ़ोन पर। गाइस, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब आपको चले जाना है सेटिंग में और वाईफाई को ऑन कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट मिररिंग का एक ऑप्शन है, आपके में ये दूसरे नाम से हो सकता है, आप खोज लीजिएगा सेटिंग में जाकर, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। अब जैसे इसे ऑन करेंगे, आपके सामने आपके पीसी का हॉटस्पॉट यहाँ सर्च करके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पीसी का हॉटस्पॉट यहाँ सर्च हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉइड मोबाइल पीसी से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ भी सेम आपको मोबाइल के जैसा पीसी में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस अपने स्मार्टफोन में, यहाँ आपको वो दिखाई देता रहेगा। गाइस, मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप यूट्यूब भी बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं और उसे फुल स्क्रीन में वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप कोई सा वीडियो प्ले करेंगे तो आपको यहाँ वीडियो के साथ साथ आपको ऑडियो भी सुनाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, इस प्रकार से आप अपने पीसी में अपने मोबाइल के स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं या फिर मिरर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।